खरगोन जिले में बिजली विभाग की मनमानी अब चरम पर दिखाई दे रही है। इसका पता उस समय चला जब एक गांव में विभागीय कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिए। दरअसल मामला जिले के आदिवासी क्षेत्र के ग्राम सोलना का है। यहां बिजली विभाग ने बिजली बिल न भरने की बात पर तकरीबन 70 घरों के कनेक्शन काट दिए। गौरतलब है कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने के बाद आमजन आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन पर्व के चलते लाइन काटने की बात पर ग्रामीण खफा दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बिल रेगुलर भर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति और विभागीय उदासीनता के कारण बिल नहीं भरा है। खरगोन से जितिवारी की रिपोर्ट। आपके घरों की बिजली कट गई है? वो बिजली बिल का अभी समस्या ये चल रही है क्योंकि लॉकडाउन था, पैसे है नहीं लोगों के पास। अभी सामने त्योहार आ रहा है तो बिजली बिल किसी के एक महीने के बाकी है, बाकी सब भर दिए हैं। सरकार से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा बिजली ये लाइट नहीं काटा जाए। कितने लोगों के परिवारों की घर की बिजली काटी गई है? कम से कम 70 70 परिवारों की लाइट काटी। क्या मानते हैं त्योहारों के बीच में लाइन काटना, जिस तरह से कंपनी मनमानी कर रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है? कंपनी के हिसाब से तो ये अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि सामने त्योहार चल रहा है। अभी त्योहार के बाद वो कुछ करते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण से लोगों के पास पैसा नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रताप सेनानी। क्या है आपका? सरपंच हूँ यहाँ का। और लाइन कनेक्शन भी काट दे, क्यों इन्होंने आपके घर की लाइन क्यों काट दी? ये बिजली बिल नहीं भरे इसलिए काट दिए। तो लॉकडाउन की वजह से काम धंधा कहीं चल नहीं रहा है, इसलिए बिल नहीं भर पाए। तो अभी तो इंधारे में सब रह रहे और चक्की कनेक्शन काट के चले गए। मेरा बिल कितना बिल है बाकी? बिल तो अभी 1000 रूपए बाकी है। 1000 का बिल बाकी, बाकी कहाँ से है? चालू है, बता। चालू बिल है, इस बिल इस महीने का बाकी है। इस महीने का बाकी? हाँ, इसी महीने बाकी। फिर भी लाइन काट दी? फिर भी लाइन काट दी। आपने अधिकारियों से बात करी इसलिए कुछ? अभी तो कुछ नहीं। ये जो काटने वाले आए थे उनसे आपने बोला? तो बोले ऑफिस में जाके बात करना। क्या नाम आपका? धूम सिंह। कौन सा गांव? सोलना। क्या हुआ, बिजली काट दी आपने? बिजली भैया ऐसा हुआ कि लॉकडाउन कारण से हमने बिल भर नहीं पाए। पहले भरा हुआ था, इसलिए इस कारण ऐसा हुआ कि हमने जो बिजली बिल भरने के लिए भी अभी भी तैयार है, पर भर भी देंगे कि ऐसा क्या भी राखी का मामला है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे ये टीपी है तो इसमें हमारे 25 मकान है। 25 मकान में से हमने भरने के लिए योजित भी है, तैयार है, तो इसमें से इन लोगों ने हमको बोला नहीं कि भाई कि आपका बिल आते हमारे घर तो हम भरने के लिए तैयार रहते। इनने बोला नहीं, इन लोगों ने हमको भरने के लिए बोला नहीं, इसलिए हमने भी टेंशन रहा। इनने एकदम से आके नहीं ये काट रहे है लाइन। अगर बोलते हैं तो हम भले 500 बने कि 1000 बने, तो हमारा मकान 25 है तो 25 मकान में से हमको जो भी बनता, 500 बनता, 1000 बनता, हम भरने के लिए तैयार रहते। क्या नाम तुम्हारा? तुलसीराम यादव। कितने लोगों की लाइन काटी आपने यहाँ पर? ये करीब 3-4-5 डीपीआर काटी है। कितने लोग घर परिवार प्रभावित होंगे? 15-20 कनेक्शन अभी बने। 15-20 कनेक्शन बंद है। कितने महीनों का बिल नहीं भरा इन्होंने? ये करीब 3-4 हजार के बिल। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही महीने का बिल बाकी है, उसके बावजूद उनके यहाँ की लाइनें काट दी गई। मिलने वाले को तो आप भी जोड़ देते नहीं? अभी बताया गया है कि पीछे अभी काट के आए, वहाँ पर एक महीने का बिल बाकी है। जो पैसे भराएगा उनको नहीं काट रहे। जिसका 3 महीने का बाकी सिर्फ उसी का काटा है अपना? 3-4 हजार वाले को एक दिन रहे। अच्छा, क्या नाम आपका? सुखदेव साठे। क्या नाम दादा? तोताराम। ये ड्रिप संबंध में आपसे जानकारी ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो दिक्कत छे नहीं, तुम ड्रिप नहीं मिला नहीं, पूरा ड्रिप नहीं मिली। 40 क्विंटल उसमें से 8 क्विंटल वापिस लेगा और पाइप भी नहीं मिले। दो खाता का 40 क्विंटल दिया। अच्छा, किस किस के नाम से खाता था? तोताराम गंदास का नाम से। और तुम्हारे नाम से भी? हाँ, मेरा नाम से नहीं, लड़का नाम से। तोताराम रल्ली। तोताराम गंदास। कौन था यह सप्लायर? किस काई सप्लायर कौन था ड्रिप वाला? सावन। सावन सावन। तो आपने उसको बोला नहीं कि वापस क्यों लेके जा रहे? बोलिया, मैंने बहुत बोलिया उसके, मैंने यार बाद में तुमके पूरे पाइप और ड्रिप छे वो भी तो 44 बिंडल वायर दूंगा और 44 या पाइप। उन्हें लाया नहीं 8 बिंडल वापिस, उन्हें दिन से पछोन नहीं आई।
8 बंडल ड्रिप वापस ले गए। हाँ। और पाइप कितने दिए? पाइप तो 40 दिया। तो 40 देना था पाइप। हाँ। अभी तक पाइप भी नहीं दिया। पाइप भी नहीं दिया। कितनी राशि जमा करी आपने? राशि 3,87,000 राशि में। हाँ भाई, पैसा उन्हें जमा कर, कितना करे कितना नहीं। किसने करा? सावन ने। सावन ने? हाँ। आरटीजीएस सावन ने किया था। आरटीजीएस सावन ने कराया। ठीक है, इसके लिए फिर आपने मांग नहीं करी है? सब सामान आपको कम दिया है और करा। हमने बहुत कराया, मांग भी कराया, बहुत बोलिया उसके, दे देवांगा कह रहे ना, अब तक नहीं मिले। ठीक, क्या नाम आपका? तो तारा। कौन सा गाँव मरे? पूरे खरगोन जिले में हमारे 4 संभाग हैं। एक खरगोन प्रथम संभाग, खरगोन द्वितीय संभाग, बढ़वा संभाग और मंडलेश्वर संभाग। ये 4 संभागों में कुल मिलाकर हमारा जो LT का है लगभग 128 करोड़ रुपया बाकी है और ST में लगभग 350 करोड़ बाकी है। तो अभी हम यहाँ बात करें LT की, तो LT में हमारे पूरे खरगोन जिले में 128-130 करोड़ बाकी है। तो ये जो सॉफ्ट मनी वसूली करने के लिए हमने हमारे सम्मान्य उपभोक्ताओं को हम टेलीफोन से या मोबाइल के माध्यम से सूचना भी दे रहे हैं कि आप हमारे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, या आप जो हमारा अभी D2D डोर टू डोर राइडर्स भी हमारे चल रहे हैं, यदि आपको COVID-19 से डर लग रहा है, हमारे ऑफिस अब नहीं आ पा रहे, तो हम उनके घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। एक तो ऑनलाइन के माध्यम से, दूसरा डोर टू डोर कलेक्शन एजेंट के माध्यम से, और तीसरा जो हमारा सहज वाहन, हमने जो पूरे ज़िले में 7 सहज वाहन चल रहे हैं, जो प्रत्येक गांव अंतिम छोर तक हमारा वाहन जा रहा है और उस अंतिम गाँव के अंतिम उपभोक्ता तक हमारा वाहन पहुँच के पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं हमारे सामान्य विद्युत उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहूँगा कि अब आपको हमारे ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर बैठे हमारा बिजली का बिल जो है सहज वाहन के माध्यम से, या डोर टू डोर एजेंट के माध्यम से, या MP ऑनलाइन के माध्यम से, या बहुत सारे मोबाइल ऐप ऐसे खुल चुके हैं, घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। और जो उपभोक्ता इतनी सरल सुविधाओं के बाद भी यदि भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे 4 संभागों में हमने कनेक्शन काटने का अभियान भी जारी कर रहा है। तो कनेक्शन हमारे पर डे कम से कम 2-3 हज़ार कनेक्शन पर डे हमारे कट रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हम पूरा बिल उपभोक्ता जमा करवा रहे हैं, हमारे सम्मान्य उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार 50% भी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हम 3 किस्तें भी कर रहे हैं, 3 किस्तों तक हमने अलाउ कर दिया है कि 3 किस्तें करके पहली किस्त जमा करने के बाद में भी कनेक्शन हम लोग काट के पुनः उसको जोड़ रहे हैं। तो हम तो अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की सेवा में लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बिजली कंपनी का भी राजस्व को नुकसान नहीं हो और हमारे उपभोक्ताओं को भी कोई तकलीफ नहीं आए। लेकिन कनेक्शन का ये जो काटने का अभियान है, ये अभी हमेशा जारी रहेगा। हमने हमारे ज़िले के लगभग जितने भी औद्योगिक कनेक्शन है वो 100% काट दिए हैं। हमारे व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है, अभी हमारा अभियान इस पर चल रहा है, ये हमारा लगभग 60% कनेक्शन हमने काट दिए हैं। और एग्रीकल्चर में हमारे किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हम सतत उनको 10 घंटे बिजली 2 पारियों में दे रहे हैं, ए और बी ग्रुप के माध्यम से। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि 6 महीने में एक बार बिल जारी होता है, कम से कम वो अपना बिल मुश्किल से इनको 1700-3000 बिल आता है 3 HP 5 HP का, तो ये भी कृपया भुगतान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। इस तरह जो किसान है वो कि बिल 1 महीने के नहीं भरते, उसके बावजूद 70-80 परिवारों के कनेक्शन काट दे रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को अगर किस्तों की सुविधा दी जाती है तो हम किस्तों में बिल भरने को तैयार है, बावजूद ये हमारी बात नहीं मानी तो किस्तों काट दे रहे हैं। किस्तों में मैंने पहले आपको बताया कि हम किस्तों में बिल स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल। आप हमारे जूनियर इंजीनियर वहाँ पर हैं, उनके पास जाए, आवेदन किस्त के दे, बिल्कुल हम किस्त सहर स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। और यदि कोई तकलीफ आए तो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ बैठे हुए हैं, मैं हूँ, सारे स्तर से हम किस्तें कर रहे हैं। किस्त करने में कोई किसी भी स्तर पे कोई कठिनाइयाँ नहीं है। हमने सारे जूनियर इंजीनियर्स को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पर काम कर रहे हैं उनको भी हमने बोल दिया है कि किस्त करके उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करें। लेकिन कोई भी उपभोक्ता ऐसा नहीं बचे जिसने बिजली का बिल जमा नहीं किया। हमारी ये
हमारा ये प्रयास है कि हर उपभोक्ता के घर हम जाएंगे और हर उपभोक्ता हम कुछ न कुछ पैसा उससे जमा करवाएंगे। भले 1000 का बिल है वो 500 जमा करें, लेकिन हर उपभोक्ता को हम टच करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।